धर्मी सर उनको जो उनको हटाने के लिए, जो अजय मिश्रा जी को हटाने के लिए जो उन्होंने बताया था, तो उनको हटाया नहीं जाएगा, ये भी बात सामने आ गई है। अब इसमें मैं कहना चाहूंगा कि भारत में दो वर्ग बने हैं। एक वर्ग है जिसने तय कर लिया है कि देश का कानून संविधान के अनुसार नहीं चलेगा, चाहे उसमें लाउडस्पीकर हो, हिजाब हो, CAA हो, या NRC के बारे में हो, शाहीनबाग में या जहांगीरपुरी में बुलडोजर नहीं चलने की बात हो, तो इन्होंने मान लिया है कि भाई नहीं चलेगा। दूसरा वर्ग बेचारा है, बहुसंख्यक है, मान लेता है कि भाई अब वो जरूर समझने लगा है कि भाई ये हमारे ऊपर ही क्यों थोपा जाता है, हम क्या बेवकूफ है जो कानून मान रहे हैं। लोगों में ये भावना घर कर गई है। इसका विशेष कारण क्या है कि विदेश से चंदा आता है, और जो विदेश से चंदा आता है इसमें एक FCRA का कानून है, FCRA के कानून के कारण ये विदेश से चंदा आता है। अब इसको जो गैर कानूनी चीजें थी उसको FCRA के अनुसार, मुझे लगता है कि ये इसे कानूनी जामा पहना दिया गया, ये कांग्रेस के टाइम पर ये कानून बना था। और हर वर्ष लगभग 50,000 करोड़ रुपए इस FCRA के अंतर्गत देश में आते हैं, और माओवादी हो या आतंकी हो या नक्सलवाद हो, अलगाववादी हैं वो हो, कन्वर्जन करने वाले हो, कोई भी है इसमें, जातिवाद का जो जहर फैलाते हैं, कट्टरवाद फैलाते हैं, भाषावाद फैलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में PIL जो डलती है उनके ऊपर भी, उनकी भी फंडिंग होती है इससे। तो मुझे लगता है कि भाई ये कानून यदि खत्म कर दिया जाए तो इन चीजों पर नकेल जरूर लगेगी और वास्तविकता लोगों को जरूर पता लगेगी, क्योंकि पैसा बाहर से बहुत ज्यादा आ रहा है। व्यक्तिगत खाते में आए तो दिक्कत नहीं होती, घुसपैठिए हैं जैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, ये भी हवाला के जरिए जो पैसा आता है इसमें FCRA का पैसा मिलता है। घुसपैठिए ने आकर के अपने राशन कार्ड बनवा लिए, वोटर कार्ड बनवा लिए, आधार कार्ड बनवा लिए, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिए, ये इसी FCRA का कमाल है। आसाम में आप लोगों को मालूम है कि भाई वो जो NRC है वो फेल हो गई, दोबारा करनी पड़ी, और दोबारा करनी पड़ी तब तक उसमें क्या हुआ, उन्होंने अपने ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कार्ड बनवा लिए, और जो असली थे वो नकली हो गए, नकली थे वो असली हो गए NRC में। इसलिए मैं कहूंगा कि FCRA एक देश का में कैंसर है, और इस कैंसर के कारण ही चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद में बार बार किसी भी PIL को दाखिल करने वाली बात हो, रुकवाने वाली बात हो, या कोर्ट में जाने वाली बात हो, इनकी फंडिंग होती है ताकि ये देश की समस्याएं हूबहू बनी रहे। और इसके लिए किसको फायदा होता है, ये फायदा तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लोग जो इसके पक्ष में नहीं है, मैंने बताया कि दो वर्ग है, उन दो वर्ग में असंतुष्ट जो वर्ग है वो उसका योगदान ज्यादा है। अब आपको एक विशेष मैं बात बताना चाहता हूँ कि घुसपैठी है ना, इन्होंने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत गाजियाबाद में गरीबों के लिए मकान बने थे, तो 80% मकान रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आप लोगों को मालूम हो तो। ये चीजें, ये तो मैं एक जगह का बताया है, और बाकी चीजें भी देखने के लिए हमें सावधानी की जरूरत है। इसके अलावा आप ये कहें कि भाई ये ज्ञानवापी मस्जिद, मस्जिद नहीं, आप कोई भी किस्सा उठा करके देख लो, किसी भी प्रकार का, हम चाहते हैं कि आज ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ही बात करें, लेकिन इस बात में आपको मानना ही पड़ेगा कि गैर कानूनी जो धन आ रहा है उसके कारण हमें
हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हुई और पहले भी समस्याएं देखता हुआ आ रहा है। मोदी के काल में आपने देखा कि किसी भी प्रकार की समस्या को किस प्रकार से हैंडल किया जा रहा है, कानून भी अपना पूरी तरह कैसे सही सही काम नहीं कर पा रहा है, रोका जाता है, कईयों के लिए तुरंत ही 5 मिनट में आदेश आ जाता है, कईयों के 5 साल में आदेश नहीं आता। ये भी मुझे लगता है कि कुछ न कुछ विशेष बात है। इन बातों को जो मैंने बताया इनसे जोड़ करके देखें तो मुझे लगता है कि हमें कानून पर तो हम सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि कानून सबसे ऊपर और लोगों की आस्था अभी भी है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उससे आप आंखें नहीं मूंद सकते। ये देश की जो जितने भी धार्मिक संस्थान है, बहुसंख्यक क्या मांग रहा है, यही मांग रहा है ना कि आप हमको दूसरों के बराबर करो। बहुसंख्यक को यदि बराबर नहीं किया गया है तो यह क्या क्या यह लोकतंत्र में उचित है? हमें भी वो सुविधाएं जो जो आपने अल्पसंख्यक को दी है, हमारे भी शिक्षा शिक्षा संस्थान उसी तरह से हो, हमारे भी धर्म स्थल है वो आजाद किए जाएं, हमारी ज्ञान वापिस मस्जिद है उसको यदि देखा जाए तो इसी तरह से हमारे कृष्ण जी की जो जो मथुरा की भूमि है उसमें भी ये चीजें देखी जाएं। हम बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे, मानते हैं कि 40,000 जगह पर मंदिरों पर मस्जिदें बनी हैं। ये 1991 का कानून ये परमानेंट कानून नहीं होता। देश की जनता चाहती है कि हमारे चीजें हमें मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको दो देश बना करके दे दिए गए हैं, फिर भी आप यहाँ पर शांति से सद्भाव से रहना चाहते हैं तो आपसी मेल भाव से आप सबके साथ मिल करके देखिए कि गलतियां कहाँ हैं, उन गलतियों को सुधारो, और सुधारेंगे तो निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा। जो सर्वे ऑफ इंडिया कहेगा ज्ञानवापी मस्जिद में, तो उनकी बातें तो होंगी। उनको रोका जा रहा है बार बार, उनको वीडियोग्राफी अंदर लेने से मना किया जा रहा है, क्यों भाई? हम तो हिंदू तो कभी मना नहीं करता। हाँ, कई ऐसी जगह होती है जहां लोगों को नहीं जाना चाहिए, जहां सिर्फ औरतों की पूजा हो सकता है वहां पर नहीं हो, तो थोड़े समय के लिए कुछ दिया, लेकिन सरकार आदेश देती है तो वहां पर भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी होती है। तो मुझे लगता है कि भारतीयों को, बहुसंख्यकों को अपनी जो चीजें हैं वो दी जानी चाहिए, और यदि इसके बारे में और ज्यादा मैं बताऊंगा तो आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि आप अपने शहर में रेहड़ी वाले जो आपको अमरूद बेचते हैं, आम बेचते हैं या सेब बेचते हैं, उनको पहचाने, उन लोगों की भी फंडिंग होती है देश में, वो हर स्टेट में हर जगह बस गए हैं।